गुड मॉर्निंग, आज हम EL-203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की Unit-7 का टॉपिक कंट्रोल ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें ये सिंक्रो ट्रांसमीटर और ये सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसमीटर, इन दोनों को एक साथ जोड़कर दिखाया गया है। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की जो कार्यविधि है ये सिंक्रो ट्रांसमीटर के जैसी ही होती है। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की जो रोटर है वो सिलेंडर जैसी होती है। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसमीटर, इसके कॉम्बिनेशन को हम एरर डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। एरर डिटेक्टर का मुख्य कार्य दो शाफ्ट की स्थिति में अंतर को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये शाफ्ट इस पोजीशन में है, यहाँ पर ये शाफ्ट इस पोजीशन में है, अर्थात दोनों शाफ्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो जो ये एरर डिटेक्टर है इसका जो मुख्य कार्य है वो दोनों शाफ्ट की जो स्थिति है उसमें जो अंतर है उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो सिंक्रो ट्रांसमीटर का आउटपुट सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ये तीन इसकी स्टेटर वाइंडिंग है, तो इसके रोटर को, सिंक्रो ट्रांसमीटर के रोटर को हम जैसे ही एसी सप्लाई लगाते हैं वैसे ही इस सिंक्रो ट्रांसमीटर की स्टेटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होती है। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर वाइंडिंग को लगाई जा रही है, जिसके कारण सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो जब सिंक्रो ट्रांसमीटर का आउटपुट सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर वाइंडिंग को लगाया जाता है तो सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में समान मगर विपरीत दिशा में करंट बहेगा। तब इस सिंक्रो कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर है इसका रोटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी ET, और ये ET होगी K1 इंटू VR इंटू cos φ इंटू sin ω0t। अब ये सिंक्रो ट्रांसमीटर का रोटर जैसे ही अपनी मूल पोजीशन से किसी एंगल थीटा पर घूमता है वैसे ही सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रोटर भी अपनी मूल पोजीशन से अल्फा डिग्री एंगल पर घूमता है उसी डायरेक्शन में। तो अगर हम फाई निकालें, फाई है दो रोटर के मध्य कोणीय विस्थापन, तो जब दो रोटर 90 डिग्री कोण पर होते हैं, ये रोटर तो यूँ है और ये रोटर के का एक्सिस यूँ है, अर्थात इन दोनों रोटर के एक्सिस हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो जब दो रोटर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न वोल्टेज है वो शून्य होती है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर इज जीरो इफ़ टू रोटर्स आर एट 90 डिग्री एक्सिस टू ईच अदर। तो इस स्थिति को हम इलेक्ट्रिकल सर्वो पोजिशन कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्वो पोजिशन कंट्रोल ट्रांसफार्मर वो स्थिति है जब इसमें आइडियली दो रोटर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। अब हम यदि फाई दो रोटर के मध्य कोणीय विस्थापन निकालना चाहें तो वो इस तरह निकलेगा। तो जब ट्रांसमीटर थीटा कोण पर घूमता है तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर अल्फा कोण पर उसी दिशा में घूमेगा, अर्थात यदि ट्रांसमीटर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है थीटा दिशा में तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी अल्फा कोण पर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज ही, और उस समय जो फाई निकालेंगे दैट विल बी फाई विल बी 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ET बराबर K1 VR cos φ sin ω0t। इस इक्वेशन में फाई का मान जब यहाँ से रखेंगे तो ET का मान आएगा K1 VR cos 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इंटू sin ω0t। ये टर्म cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये होगी K1 VR sin थीटा माइनस अल्फा sin ω0t। तो इस इक्वेशन नंबर 3 से ये साफ है कि जब दो रोटर शाफ्ट अलाइनमेंट में नहीं होती है तब कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रोटर वोल्टेज दो शाफ्ट कोणों के मध्य अंतर के साइन फंक्शन के बराबर होता है। थैंक यू।